जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज़ की कीमत नहीं जानते। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको कर्क लग्न वालों के लिए सितंबर महीने का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। यह चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का, जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं। इस महीने जो बदलाव आने वाले है वो ये है कि 2 तारीख को बुध अपनी उच्च कन्या राशि में चले जाएंगे और फिर 22 तारीख को तुला राशि में चले जाएंगे। सूर्य 16 तारीख को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में आ जाएंगे। राहु और केतु इस महीने 23 सितंबर को अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। राहु वृषभ राशि में जाएंगे और केतु वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। गुरु 13 सितंबर से अपनी धनु राशि में मार्गी हो रहे हैं। शनि भी 30 सितंबर को अपनी ही मकर राशि में मार्गी होंगे। तो ये है ग्रहों की स्थिति। 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो रहे हैं, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। आपका यहाँ 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लग्न हो गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ 4 नंबर लिखा है तो यह प्रेडिक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने में प्लीज़ कोई गलती ना करें, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगा। कर्क राशि का स्वामी चंद्र है, जो अष्टम भाव से अपना गोचर शुरू कर रहे हैं। लग्न पर मंगल और शनि की दृष्टि होने की वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। हालांकि शुक्र लग्न में बैठे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 2 क्रूर ग्रहों की नज़र होने से यहाँ पर स्थिति थोड़ी नाजुक हो जाती है। शुक्र जो एकादश भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं तो ये भी एक अच्छी पोजिशन है। इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। राहु जब 23 सितंबर को एकादश भाव में आ जाएंगी तो इनकम और भी बढ़ेगी। धन भाव में सूर्य की राशि है और सूर्य खुद यहाँ पर बैठे हैं, तो सूर्य यहाँ धन को आगमन दे रहे हैं, लेकिन सूर्य खर्चा भी अधिक करवा देते हैं। 16 तारीख के बाद जब वो राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आ जाएंगे तब यह बहुत अच्छे परिणाम देंगे। तीसरे भाव में सूर्य अच्छा फल देते हैं। बुध भी अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर यह दोनों ग्रह आपको अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं। गुरु 6ठे भाव में केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। 6ठा घर जो रोग कर्जा और दुश्मन का होता है, तो गुरु यहाँ केतु के साथ होने से इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, गुरु जो कि भाग्य स्थान के मालिक है अब यह 6ठे घर में वक्री होकर चल रहे हैं, तो आपके कई सारे काम रुके पड़े होंगे जो गुरु के 13 सितंबर को मार्गी होने के बाद पूरे हो जाएंगे। गुरु 6ठे घर में होने की वजह से यह आपको वजन बढ़ने से जो बीमारियां होती है वह दे सकते हैं। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो डायबिटीज़ के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। 10म भाव में मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं। मंगल केंद्र स्थान में रोचक योग बनाते हैं और शनि सस योग बनाते हैं, लेकिन इनके अच्छे परिणाम उन लोगों को ही मिलते हैं जिनकी जन्म कुंडली में भी यह ग्रह अच्छी पोजीशन में बैठे हो। तो सिर्फ गोचर से सबको अच्छे परिणाम मिले ऐसा नहीं होता। वैसे मंगल 10म भाव में बलि हो जाते हैं तो यह आपकी कार्यक्षमता बढ़ा देते हैं, आपकी हिम्मत भी बढ़ाते हैं और कोई भी काम करने में आप तत्पर रहते हैं, तो यह पोजीशन आपके लिए अच्छी है। कामकाज में आपको लाभ मिलेगा, प्रमोशन भी मिल सकता है और कोई ना कोई ऊंचा पद भी मिल सकता है। 7म भाव में शनि हैं जो वक्री होकर गति कर रहे हैं। हालांकि यह इतने खराब नहीं होते, यह आपकी मैरिज लाइफ की पार्टनरशिप हो या कोई बिजनेस पार्टनरशिप, यहाँ आपको थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। कर्क लग्न वाले सब लोगों पर जल्दी भरोसा कर देते हैं, इमोशनल भी होते हैं।
शनि सप्तम स्थान में है जो 2.5 साल के लिए यहाँ पर रहने वाले हैं, तो यह आपकी वैवाहिक जीवन में परेशानी दे सकते हैं। लेकिन जब तक लग्न में शुक्र बैठे हुए तब तक आप अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। राहु 11वें भाव में होने से आपके फ्रेंड्स से आपको कोई लाभ हो सकता है। अचानक से पैसे आपके हाथ में आ सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हो, मतलब 6वें, 8वें या 12वें में हो, तो आपको हर अमावस्या को विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए। बहते पानी में नारियल को बहाने से भी राहु की बुरी इफेक्ट कम होती है। इस महीने 17 सितंबर को अमावस्या है, तो उस दिन आप ये उपाय जरूर करें। 23 सितंबर तक यह राहु 12वें स्थान में होने से आपके मैरिज होने में प्रॉब्लम आ रही होगी, वह 23 सितंबर के बाद ख़त्म हो जाएगी। तनाव से आपको दूर रहना चाहिए। खान पान के साथ योग प्राणायाम का भी आपको सहारा लेना चाहिए। केतु आपके पंचम स्थान में आएगा, तो इसकी वजह से आपके बच्चों से आपका असंतोष धीरे धीरे दिखने लगेगा, तो इसके लिए आपको कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए या फिर अपने बच्चों को एक मुखी रुद्राक्ष चांदी की चैन में पहना सकते हैं, इससे थोड़ी नेगेटिविटी कम होगी। 23 सितंबर तक गुरु केतु का चांडाल दोष है, तो ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखें। तो अब देखते हैं बैड डेज के बारे में। आप हो या मैं हूँ, महीने में 1-2 दिन तो ऐसे जाते हैं जो हमें तनाव, तकलीफ, परेशानी देते हैं, निराशावादी बना देते हैं। और वह समय होता है जब मन और मस्तिष्क के लॉर्ड यानी कि चंद्रमा नेगेटिव पोजीशन में आ जाए। चंद्रमा जब भी 6, 8 या 12 में होते हैं तो यह हमें तकलीफ देते हैं। इस समय आप शुद्धता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए 1 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आपको पूर्वजों से आशीर्वाद दिलवा रहे हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो रहा है, तो दान और पुण्य से आपकी नैया पार हो जाएगी। जिन लोगों का जन्म का चंद्र अच्छा नहीं है, वह लोग 15 सितंबर और 28 सितंबर प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। यह भगवान शिव का व्रत होता है। 11, 12 और 13 सितंबर, 23, 24 और 25 सितंबर, 28, 29 और 30 सितंबर आपके लिए बैड डेज रहेंगे, तो इस दिन आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फालतू की झंझट में ना पड़े तो अच्छा है। अपनी स्पीच पर कंट्रोल करें, किसी की आत्मा को चोट पहुँचे ऐसा कड़वा ना बोले। अब जानते हैं गजकेसरी योग के बारे में। जब जब गुरु और चंद्र की युति होती है या गुरु और चंद्र एक दूसरे के आमने सामने या 4 स्थान पर होते हैं, तब गजकेसरी योग बनता है। जैसे कि अभी गुरु यहाँ पर है, जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा धनु राशि में या फिर यहाँ पर आएगा मीन राशि में या फिर यहाँ पर आएगा मिथुन राशि में या फिर यहाँ पर आएगा कन्या राशि में, तो तब गुरु और चंद्र के कारण गजकेसरी योग बनेगा। गजकेसरी योग में गुरु और चंद्र की युति होती है, तो गुरु मतलब पैसा और चंद्रमा मतलब पानी, तो इस दिन के दौरान पैसे का फ्लो अच्छा होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी से कोई पेमेंट लेना है, तो आप इन दिनों के दौरान कलेक्शन करने जाए तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो यह होता है गजकेसरी योग। आपके लिए इन 4 डेज में गजकेसरी योग बन रहे हैं, तो इन 4 दिनों में 12 सितंबर को मिथुन राशि में जो गजकेसरी योग बन रहा है, उस दिन आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता। उसके बाद 25 सितंबर को धनु राशि में जो गजकेसरी योग बन रहा है, उस दिन भी आपको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता। लेकिन 5 सितंबर और 17 सितंबर इन 2 दिनों के दौरान आपको फायदा अवश्य होगा। उपाय के लिए आप सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करें, तो यह आपके लिए लाभदायी रहेगा। शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय की जाप करने से भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर आपको घर बनाने के लिए या प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर व्रत करना चाहिए और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः
मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये था कर्क लग्न वालों के लिए सितंबर महीने का प्रेडिक्शन। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारे चैनल। नमस्कार।